बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में तहदिल से खुश आमदीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज मैं आपको सिर्फ 3 तस्बीहात के बारे में बताने वाला हूँ। वो ऐसी तस्बीहात हैं कि हर किस्म की जहनी परेशानी, डिप्रेशन, बेचैनी, घरेलू मसाइल, मियाँ बीवी की ना इत्तेफाकी, शादी और कारोबार में बंदिश, जादू और शैतानी असरात, रूहानी तरक्की, रिस्क में तंगी, अलगर्ज हर किस्म की मुश्किल और परेशानी का हल इन 3 तस्बीहात में मौजूद है। अब वो 3 तस्बीहात अगर आप करना शुरू कर दें, फिर चंद अरसे बाद अब अपना खुद तजिया करें कि आपके हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। पहली तस्बीह क्या है? तीसरा कलमा 100 मरतबा। यानी तीसरा कलमा क्या है, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। ये 100 मरतबा दिन में किसी भी टाइम पढ़ें, ठीक है। दूसरी तस्बीह की तरफ आते हैं। दूसरी तस्बीह है दुरूद पाक। ये भी आप 100 मरतबा लाजमी पढ़ें। वो दुरूद पाक आप 6 मुख्तसर वाला भी पढ़ सकते हैं, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, ये वाला भी पढ़ सकते हैं। तीसरी तस्बीह है इस्तिग़फ़ार की, वो पढ़नी है आपने 100 मरतबा। कौन सा इस्तिग़फ़ार? ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तीनों तस्बीहात आपने सुबह शाम रोज़ाना 100 मरतबा करनी है, ठीक है। सुबह शाम, सुबह फजर के बाद पढ़ लें और शाम असर के बाद या मगरिब के बाद पढ़ लें, ठीक है। ये अगर आप इन तस्बीहात की आदत बना लेते हैं, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बेपनाह खैर और बरकत आपको देखने को मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में अजीब इसके असरात देखेंगे। जितनी भी आपको परेशानियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन सब के अलावा भी और जितनी परेशानियाँ आपकी होंगी, वो सब की सब दूर होती चली जाएंगी। ज़िंदगी के अंदर आपके यूँ समझें कि एक राहत कल्बी महसूस करेंगे आप, ठीक है। माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी हर किस्म की परेशानियाँ, रुकावटें इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 3 तस्बीहात की ज़रूर बज़रूर आदत बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर आप तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला इन 3 तस्बीहात का आदि बनाए और इनकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त आपके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो उसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।